Good morning, student. My name is Alhan. And welcome in my class. कौन सी क्लास? पता है ना आपको? You are in which class? Okay, you are in LKG class. I wrote here LKG. And which subject I will teach you? क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको? पता है? पढ़ना आता है यहाँ पे? MATHF. That means maths. यानी mathematics. आपको पता होना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ. फिर से मैं आपको अपना नाम बता रही हूँ. मेरा नाम अलका है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी. मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना? हमारे आसपास सब मैथ्स से होता है. जैसे हम कहीं खड़े हैं तो हम देखते हैं हम अकेले हैं या हमारे साथ हमारा फ्रेंड भी है, या मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3. मम्मा हम लोग 3 जन खड़े हैं, ऐसे बोलते हैं ना. हाँ, या फिर अपन घर में मम्मा आइसक्रीम दे रही है किसी को, तो मम्मा क्या करती है? 1 2 3 4 5 6. ओ, मुझे 6 बाउल्स और 6 स्पून लाना है. दैट मीन्स काउंटिंग करती है. इसका मतलब हमारे आसपास हमेशा मैथ्स रहता है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपनी कॉपी में ही उसको सीखेंगे. नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हर चीज़ हमारी मैथ्स के अकॉर्डिंग ही चलती है ना. आप ब्रश करने अर्ली मॉर्निंग उठते हो, अर्ली मॉर्निंग जाते हो, तो वहाँ सबके ब्रश रखे रहते हैं. फिर आप उसको देखते हो, विच वन इज माई ब्रश इज देयर, है ना, कौन सा ब्रश है मेरा. समझ लो आपका और आपके भैया का ब्रश सेम कलर का, रेड रेड कलर का है. फिर आप उसको से देखते हो, मेरा वाला कौन सा है? नहीं, मेरा तो छोटा वाला है, भैया का बड़ा वाला है. तो ये भी हमारे मैथ्स में आता है ना. फिर आप क्या करते हो, मिल्क लेते हो. मम्मा आपको और आपके भैया को मिल्क देती है, तो फिर आप उसमें भी देखते हो कौन सा ग्लास बड़ा है, मुझे कौन सा वाला ग्लास लेना है. तो ये भी हमारे मैथ्स में ही आता है. बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं हमारे घर में. हम कहीं बाहर जाते हैं जब, या हमारे मार्केट में, या कहीं हम बाहर ट्रैवल करते हैं. जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना, आज आप टूर पे जा रहे हैं, बाहर पिकनिक पे जा रहे हैं, या आप किसी बस में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे बस का नंबर होता है, हमारे गाड़ी के नंबर होते हैं. बड़ी बड़ी जो सिटी होती है ना, वहाँ पे ना बसेस नंबर से चलती हैं. 1 नंबर की बस इधर जाएगी, 2 नंबर की बस उस साइड जाएगी, है ना, नंबर के अकॉर्डिंग चलते हैं. तो हमारे मैथ्स की हमें बहुत जरूरत होती है. मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. इसको पढ़ने में हमें बहुत मजा आएगा. बट कब आएगी? जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना. ऐसा नहीं कि बस मैं यहाँ से पढ़ाऊंगी और आप इस वीडियो को देख लोगे और बस रख दोगे. नहीं, जब आप भी मेरे साथ पढ़ोगे, मैं यहाँ बोलूंगी, उधर से आप बोलोगे, जब हमको पढ़ने में बहुत मजा आएगा. तो क्या करना है, जल्दी से क्लास स्टार्ट करें. ओके, आर यू रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी. देन लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न विच वन. हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले कहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है? 1 से. 1 से स्टार्ट होती है? नहीं, हमारा जो मैथ्स है ना, हमारा जो मैथमेटिक्स है, वो पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ये क्या है? ये लड्डू जैसा दिख रहा है क्या आपको? ओ, तो क्या है ये? ये 0 है हमारा. हमारा मैथमेटिक्स सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, 0 से हमें स्टार्ट करना है. 0 बनाना तो सबको आता है. कैसे बनाना है? ये सी बनाना है ना, आता है ना आपको, तो इसमें एक और सी बना लेना होता है, तो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है. वेरी गुड. ठीक है, आपको 0 बनाना बहुत अच्छे से आता है. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम 0 1 2 3 4 5. ऐसे हम लोग 1 by 1 1 by 1 नंबर को पढ़ते जाएंगे. ओके, आपने पेंसिल रख ली अपने पास में. यू हैव स्क्वायर नोटबुक. आपके मम्मी पापा ने आपको एक नोटबुक दी है मैथ्स के लिए.
कौन सी नोटबुक दी है बेटा, आपको इसको बोलना आना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम कौन सी क्लास में है। नाउ यू आर इन एलकेजी क्लास। कौन सी क्लास में है? एलकेजी। और सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं आप अभी? मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं बोलना आता देन यू कैन से मैथ्स। क्या बोलेंगे आप उसको? मैथ्स। और हमारी आज क्लास कौन सी है? नंबर वन वाली क्लास है ना। दैट मीन्स आज से हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपके पास नोटबुक कैसी है? आई विल ड्रॉ हियर। मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास कौन सी वाली नोटबुक है। ये ऐसे आपके पास नोटबुक है, मम्मा ने आपको ला के दी है ऐसी वाली नोटबुक, है ना। तो यही वाली नोटबुक में आपको लिखना है। और इस नोटबुक को खोलते क्या है? कौन सी नोटबुक है ये? कौन सी नोटबुक है लाइन पता है आपको? कौन सी वाली? बॉक्स वाली। बॉक्स वाली बोलेंगे बेटा हम इसको। हम इसको बोलेंगे स्क्वायर बॉक्स नोटबुक। ओके। या फिर नोटबुक ऐसे वाली बॉक्स वाली नोटबुक है आपके पास में, है ना। आपको मम्मा ने मैथ्स के लिए ऐसी ही नोटबुक ला के दी है। आई नो वेरी वेल, आपकी मम्मा से मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि हमने अपने बच्चे को ऐसे ही नोटबुक ला के दी है, है ना। ओके देन वी विल स्टार्ट। आपकी जो नोटबुक है वो फर्स्ट पेज पे लिखना। फर्स्ट पेज फॉर नेमिंग, फर्स्ट पेज नाम के लिए छोड़ना है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड पेज। ओके रेडी। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन होती है ना, सबसे पहले आपको क्या हैबिट डालना है? हमें डेट डालना है। डेट डालने की आदत होना चाहिए। आज कौन सी डेट है या फिर हमने कौन सी क्लास अटेंड करी है, तो उसमें क्या डालना है आपको? मैथ्स 01। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग में ये डालना है। उसके बाद में फिर हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? जैसे कहीं आप बाहर जाते हैं तो पहले से प्लानिंग करते हैं ना, हाँ मम्मा हम लोग वहां जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये चीज करेंगे। वैसे ही हमारे मैथ्स में भी हमको पहले से प्लानिंग करना है। पहले हम लोग फर्स्ट यहाँ पे क्या डालेंगे? मैथ्स 01 डालना है आपको। देन एक लाइन आपको छोड़ना है। उसके बाद में फिर हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे? अवर हेडिंग। हेडिंग मीन्स क्या होता है? कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या चीज पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम पेज पे क्या करने वाले हैं, तो उस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके है ना। हम क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, तो वो हमें यहाँ बताना पड़ेगा ना लिख के, है ना। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या डालेंगे बेटा? हेडिंग। हेडिंग मतलब हम लोग जो नीचे पेज में करने वाले हैं उसका यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जैसा होता है, एक टॉपिक है उसका हम लोग नाम डालेंगे। फर्स्ट वी विल राइट काउंटिंग। क्या लिखेंगे हम लोग? काउंटिंग। सिर्फ काउंटिंग लिखेंगे। बाद में जब धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, फिर उस समय हम लोग थोड़ा सा हेडिंग बढ़ा देंगे। ओके आपको मेरे साथ बोलना है सी, बोलते जाना ओ यू एन टी आई एन जी। ओके सी ओ यू एन टी आई एन जी, काउंटिंग। ओके अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप तो एक बॉक्स में टू लेटर्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ सी नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख के और उसको ऐसे कर देना। ओके सी ओ, मेरे साथ बोलना है आपको सी ओ यू एन टी, काउंट। क्या हो गया? सी ओ यू एन टी काउंट। आई एन जी इंग, क्या बन गया वो? आई एन जी इंग काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। गिनती कैसे करते हैं हम लोग? ये क्या है? जीरो। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा ना, जीरो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड वन जीरो टेन। इसे करें, आपको ऐसे उंगली बांधना है और ये जो थंब है ना, थंब से ऐसे फिंगर दबाना है। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये क्या है? कुछ भी नहीं है ना। दैट मीन्स जीरो। वन टू थ्री फोर
इसमें वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम लोग जीरो लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे ये जीरो लिख दिया। आपको पता होना चाहिए ये जो सर्कल होता है ना, लड्डू लड्डू होता है, वो जीरो होता है। ओके जीरो, देन वन। अब वन कैसे बनाना है? आई विल शो हियर कैसे बनाना है। ऐसे करना है ना, स्लैंटिंग जो लाइन होती है ना नीचे से ऊपर, तिरछी लाइन, ऐसे ऐसे निकल, ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन छोटी सी स्लीपिंग लाइन। कैसे बनाना है? ऐसे, देन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ओके इट इज वन। जीरो यू नो वेरी वेल, जीरो बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। वन कैसे बनाना है? वन आप लोग ऐसे बनाते हो ना, ऐसे नहीं बनाना मैथ्स में। कैसे बनाना है? इट इज द रॉ। कैसे बनाएंगे हम लोग? नीचे से ऊपर ऐसे स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग यानी तिरछी लाइन, तिरछी लाइन बनाना, फिर उसमें सीधे स्ट्रेट लाइन बनाना, स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। अगेन कैसे बनाएंगे? वन। ओके आ रहा है ना समझ में? अगेन वन। ऐसा ही वन बनाना है आपको, ऐसे सिंपल वाला वन नहीं बनाना है, ये तो फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हिंदी में हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं, इसलिए हमें वन कैसे बनाना है? ऐसा बनाना है, छोटा सा ऐसे स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन। इट इज वन, देन वन। ओके बनाना आ गया वन, अच्छे से बनाना है, बहुत बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं सोचना मम्मा मुझसे तो बनेगा, मैं नहीं बनाऊंगा या मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपने वन बना दिया बहुत अच्छे से, तो मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगी इसके साथ में, बट पहले हमें अच्छा वाला वन बनाना चाहिए जो हमारे मैथ्स में यूज होता है। ठीक है, आप सिंपल अभी तक ऐसा बनाते हो ना, वन 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 है ना, ऐसा वन बनाते हो ना आप घर में, कुछ के नहीं, उसमें छोटा सा ऐसे करके और ऐसे करके, बस सिंपल सा वन बन जाएगा। देन एक ही बॉक्स को छोड़ना है, देन वी विल राइट टू। कैसे बनाना है टू? मैं आपको यहां पर बता रही हूँ टू कैसे बनाना है आपको। कैसे? ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन। ओके ऐसे करके स्लीपिंग लाइन, ऐसे टर्न करना स्लीपिंग लाइन, दैट इज टू। कैसे बनाना है? ऐसे स्लीपिंग लाइन। ठीक है, आप ऐसे कर्व बनाते हो ना ऐसे, फिर उसमें स्लीपिंग लाइन बनाना, दैट इज वेरी सिंपल। ऐसे ऐसे आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना, अगर नहीं आता है तो एक बार आपको मम्मी बताएंगी घर में, फिर आपको अपनी नोटबुक में खुद लिखना है, अपनी नोटबुक में किसी को हाथ नहीं लगाने देना, वो आपकी नोटबुक है ना, आप उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्क करना। फिर मैं जब नोटबुक चेक करूंगी आपकी, तो आपको उसमें फ्लावर्स दूंगी, ट्रॉफीज दूंगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे बटरफ्लाइज दूंगी, स्टार दूंगी, थ्री स्टार, फाइव स्टार लाइक है। ओके आपको चाहिए ना, फिर आपको क्या करना है, जैसे टू हम बता रहे हैं वैसे लिखना है, ये ऐसे। ओके इस टू, जीरो 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 जीरो। ओके वन 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 वन, ये क्या है? टू 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 एंड टू। वन कैसा होता है? जीरो कैसा है? जीरो ऐसा मतलब मुट्ठी बांध के। वन कैसा है? वन ऐसा, टू वन टू, ये जीरो फिंगर पे, वन टू। अब क्या हो गया? थ्री। ओके फिर से हमें लीव वन बॉक्स, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स। ऐसे बनाना है, ऐसे फिर ऐसे। कैसे बनाना है थ्री? ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहां पे ऐसा करना है, इट इज थ्री।
में लग जाओगे ना. यू डू राइट. ओके आप पढ़ सकते हो. यू हैव नाइन एवरीथिंग. थ्री ऐसे स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे स्लाइडिंग लाइन और ऐसे जैसे आप अनाराम का बनाते हो वैसे चल करना. ओके थ्री. ओके क्या करना है. जीरो वन टू थ्री. ओके थ्री तक करेंगे आज. सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना. अब तक आप कैसे लिखते थे वन टू थ्री है ना, ऐसे लिखते थे ना आप नोटबुक में. ऐसे नहीं लिखना है, इट इज द रॉन्ग वे टू राइट. ओके इसको ऐसे नहीं लिखना है. हमें कैसे लिखना है वन टू देन थ्री. कैसे लिखेंगे वन टू ऐसे और ऐसे थ्री. ओके टुडेज योर होमवर्क ऑल्सो आपको अपने नोटबुक में इतना ही लिखना है. दिस होमवर्क ऑल्सो हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट. यू विल राइट टू फुल पेजेस. आपको वन पेज पे वन वन लिखना है, सेकेंड पेज पे टू टू लिखना है और थर्ड नंबर के पेज पे थ्री लिखना है. ओके नो प्रॉब्लम. यू विल डू इन थ्री पेजेस. ओके तीन पेजेस लिखना है वन टू और फिर एक बार और टाइम करना तो थ्री पेजेस हो जाएंगे. जीरो और वन एक पेज पर, फिर सेकेंड नंबर को सेकेंड नंबर के पेज पे, थर्ड यानी थ्री को थ्री नंबर के पेज पे. ओके कैसे करना है, मम्मा से करवाना है क्या. नहीं आप खुद पढ़ोगे पता है मुझे. फिर एग्जाम भी तो होगा आपका, एग्जाम में भी तो फिर आपको लिखना पड़ेगा ना. ओके यू ऑल आर माय लविंग चिल्ड्रन. ओके डू योर वर्क योरसेल्फ. अपना काम खुद करना चाहिए, हमें किसी से नहीं करवाना है. खुद को पढ़ना सीखना.